हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी का दिन अच्छे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हमने लेके आए हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देर न करके शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग जब नए काम करने जाते हैं किसी भी जगह पे, तब मान लीजिए आपका सीनियर आपको क्वेश्चन कर दिए कि इस इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट नहीं है, इसका किलोवाट कितना होगा ये हमको बताइए। और मान लीजिए आपने डिप्लोमा किए हैं और ITI किए हैं और BTEC किए हैं, तो तभी आपको क्या होगा, अगर ये आंसर आपको नहीं पता होगा तब आपका बेइज्जती हो जाएगा सभी के सामने। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो वही देखेंगे कि किसी एक मोटर में नेम प्लेट नहीं है, मोटर बहुत पुराना है जिसका नेम प्लेट ख़राब हो गया है, उसका कैसे हम लोग पावर को निकाले कैलकुलेशन करके। तो दोस्तों, ये जानने से पहले पावर का डेफिनेशन जानना होगा। और पावर का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कुछ काम करते हैं, मतलब काम करते हैं मतलब क्या है, मतलब जैसे कि मोटर घूमते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल के वजह से लाइट जलता है, मतलब जो काम होते हैं वही है पावर। और इस पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट पावर हो गया। लेकिन ए V इंटू I, ए अगर हम लिखा तो हमारा ये DC का हो गया। और AC का हम लोगों का क्या है, AC में दोस्तों पावर फैक्टर नाम का एक चीज़ है, अगर नहीं पता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों, इसीलिए AC में अगर पावर का हम लोग फार्मूला देखें तो क्या होते हैं, सिंगल फेज में हमारा है P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू कॉस फाई, V इंटू I इंटू कॉस फाई। यहाँ पे हमारा V है वोल्टेज, I है करंट, कॉस फाई है पावर फैक्टर, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। याद रखना, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर का कभी यूनिट नहीं होता है। और थ्री फेज में हमारा पावर का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू I इंटू कॉस फाई इंटू √3। और किसी किसी बोई में हम लोगों को √3 आगे देखने मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये है पावर का फॉर्मूला। तो दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है जिसका नेम प्लेट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने चेक करके देखा है कि हमारा जो वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट, करंट है वो क्लैपन मीटर से हम लोगों ने देख लिया है 5 एम्पियर, ठीक है, और हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.85 है। ये सिंगल फेज का हम एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में थ्री फेज का हम देंगे। तो अगर है हम देखें तो क्या होते हैं, तो अब इसका पावर निकालना है तो पावर का सिंगल फेज का जो हमारा फार्मूला पहले बता है उसके साथ पुट कर देना है। फार्मूला क्या है, P = V × I × cos φ। तो वोल्टेज के जगह पे हमने 220 बैठा दिया, करंट के जगह पे 5 एम्पियर बैठा दिया, और कॉस फाई के जगह पे 0.85 हमने बैठा दिया। तो आंसर कितना होता है, तो आंसर आता है 977.5 वाट, ये वाट में आता है। ठीक है दोस्तों, अब वाट को किलोवाट में ले जाने के लिए जो हमारा आंसर आया है वो वाट को 1000 से डिवाइडेड करना होगा, तभी हमारा किलोवाट में आ जाएगा। तो अगर इसको हम डिवाइडेड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 9.97 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट ही आप समझ सकते हैं इसको, 1 किलोवाट हमने हम लोगों ने पा लिया इसका आंसर। तो चलिए थ्री फेज का एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसी की तरह हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज मान लिए 440 है, करंट हमने 5 एम्पियर मान लिया है, पावर फैक्टर हम लोगों ने 0.85 मान लिए है, और जो थ्री फेज में क्या होता है एक √3 × होता है, मतलब गुना होता है √3, और √3 का वैल्यू क्या है 1.72। ये हमेशा ख्याल रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, √3 कभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेटा हमने लिए है इसको हम लोग अगर थ्री फेज का जो
फॉर्मूला है पावर का, उसमें अगर पुट करिए क्या है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव, इसमें अगर बैठा दे तो हम लोगों का आंसर क्या आता है 3216.4 आता है ये। लेकिन ये क्या है, ये वाट में है, ये अभी तक किलोवाट में नहीं हुआ। अब कि इसको किलोवाट करने के लिए क्या करना होगा, वाट के साथ हज़ार डिवाइडेड करने पे हमारा किलोवाट आता है, ये याद रखना। वाट के साथ हम लोगों का हज़ार बटा करने से हम लोगों को किलोवाट आते हैं। तो इसको अगर हम लोग अगर बटा करते हैं तो कितना आएगा, 3.216 किलोवाट हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3.5 किलोवाट का हमारा जो मोटर है, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा के बोलने से कुछ गलती नहीं है, क्योंकि मोटर का अंदर हमारा कुछ लॉसेस होते हैं, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भी समझ में प्रॉब्लम आया है तो नीचे कमेंट करना और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।